मजबूती दमदार देखने को मिल रही है आज आईटीआई के शेयर में, क्योंकि आईटीआई के दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी हुए हैं और कंपनी का जो मुनाफा है वो 13.5 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधा 168 करोड़ रुपए हुआ है। कंपनी की आय भी अगर आप देखें तो 563 करोड़ से बढ़कर 828 करोड़ रही है। नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के CMD अगरवाल साहब। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, जो नंबर्स में इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है, क्या कारण रहा है सर इतना, ये जो कामकाजी मुनाफा और जो मुनाफा इतना तेजी से ग्रो किया है उसमें क्या फैक्टर्स रहे हैं? देखिए, थैंक यू एंड नमस्कार, सभी व्यूअर्स को नमस्कार। इसका मेन जो कारण है कि कंपनी के हमारे ऑफिसर से, स्टाफ है, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है, वो लगातार दिन और रात अब कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी, चाहे प्रोडक्शन हो चाहे हमारा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हो, दोनों में ही चेंज पिछले 6-8 महीने से किया था, जिससे नतीजे अब हमारे सामने पिछले क्वार्टर से आने शुरू हो गए हैं। क्योंकि से हम महारेट प्रोजेक्ट कर रहे हैं, गुजरात में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों में ही हम लोगों को बहुत अच्छा मतलब टर्नओवर मिला है और बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हम लोगों को इसमें मिली है। इसी वजह से हमारे ऑपरेशनल प्रॉफिट भी बढ़े हैं और टर्नओवर भी बढ़ा हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और प्राइसिंग हमारी काफ़ी लो हुई है मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका फायदा सीधे सीधे हमारे बॉटम लाइन को भी जा रहा है और टॉप लाइन को भी जा रहा है। ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिले। खास तौर पे सर ये जो आपने ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करी, जो कामकाजी मुनाफा है नेगेटिव में थे, 19 करोड़ का घाटा था, उसके सामने 65 करोड़ रुपए के आसपास का अबिडा यानी कि कामकाजी मुनाफा आपने पोस्ट किया, और यही कारण है कि आपके मार्जिन जो कि नेगेटिव थे वो अब पॉजिटिव साइड में आते हुए दिखे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि FY20 जो वित्त वर्ष 2020 जिसमें हम कामकाज कर रहे हैं, किस तरह के मार्जिन आप टारगेट करके चल रहे हैं इस साल के अंत तक के लिए, और FY21 के लिए अगर आप कोई गाइडेंस दे सके तो। देखिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारे टर्नओवर जो टारगेट्स हैं, एमओयू की फिगर्स हमारी ऑलरेडी 3500 हमने गवर्नमेंट के साथ साइन अप की हुई है वेरी गुड कैटेगरी के लिए, तो वी विल ट्राई कि हम उस टारगेट को पूरा कर पाएं। जो मैंने लास्ट टाइम भी जब इंटरेक्शन हुआ था आप सबके साथ में एट द एंड ऑफ द सेकेंड क्वार्टर, तो यही कोशिश की थी कि हम उनको पूरा करेंगे, और उसके हिसाब से हम जो भी थर्ड क्वार्टर हमने कर लिया है पूरा जो टारगेट्स थे, और फोर्थ क्वार्टर में जो भी हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है वी आर कमिटेड टू अचीव इट। तो सिमिलरली ऑपरेशनल प्रॉफिट में भी, क्योंकि ऑपरेशंस में अभी कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे पास ऐसे थे कि जो आईटी अपने आप काम कर रही है उसके बहुत अच्छे मार्जिन है, कुछ प्रोजेक्ट्स अभी भी ऐसे हैं जिसमें हमें बैक टू बैक काम में प्रॉफिट मार्जिन काम है, तो ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 to 6 months टाइम जो हमारे इस तरह के प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाएंगे जहाँ बैक टू बैक थे, तो प्रॉफिट मार्जिन हमारा और अभी बढ़ेगा इसमें, जो इसमें प्रॉफिट मार्जिन है उससे यू विल फाइंड की ग्रोथ परसेंटेज इसमें बेटर हो जाएगी अगले क्वार्टर्स में। सर इस बार के नंबर्स अगर आप देखें तो उसमें अन्य आय का भी फैक्टर है, ऑलमोस्ट डबल हुई है आपकी अन्य आय, थोड़ा उसमें विस्तार डाल पाए, रोशनी डाल पाएंगे कि ये अन्य आय क्यों इतनी ज्यादा बढ़ती हुई दिखी है, क्या ये आगे भी ऐसे ही रहेगी? नहीं, क्योंकि ये देखिए जो वन टाइम हमें जो अदर इनकम आई है मेनली 85 CR जो इनकम आई है ये आई है गवर्नमेंट का सपोर्ट था इसमें स्टेटरी ड्यूज के लिए। आपको मालूम है कि आईटीआई की जो पहले परफॉर्मेंस थी पिछले 15-16 साल से वो अच्छी नहीं थी, तो गवर्नमेंट का सपोर्ट इस पर लगातार चल रहा था, तो अभी 85 CR का अमाउंट एक फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया था और वो अभी हम लोगों को लास्ट वीक में ही मिला था, लास्ट वीक में ही मिला था, तो 85 CR तो वहां से निकल के आया था। सिमिलरली कुछ हमारे ऐसे इनकम थी जो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हमारे पिछले 5-6 साल से चल रहे थे लगातार, तो कुछ डेटर्स ऐसे थे जिनकी तरफ से मतलब कोई भी हमारे पास फॉलोअप नहीं था, तो उन लोगों को हमने कुछ राइट बैक किया है, तो उसकी वजह से करीब ये 50 CR का निकल के वहां से निकल के आया था, तो कुल मिलाकर ये अराउंड 130 तो वहां से निकल के आई थी, और 20 करोड़ रुपए हमारी जो अदर इनकम है बिकॉज ऑफ द रेंटल इनकम है, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट ऑन FDs है, वो सब के वजह से निकल के आई थी। सर ऑर्डर बुक पोजीशन क्या है आपकी फिलहाल अभी अगर आप देखें, और इस साल के अंत तक आप कितने ऑर्डर्स पूरे कर लेंगे? ऑर्डर बुक पोजीशन हमारे लगभग इस समय 7200 तो कंफर्म ऑर्डर्स एज ऑन डेट हमारे पास अभी भी हैं, और करीब 7000 के ऑर्डर्स ऐसे हैं जिसका हमारे पास एडवांस परचेज ऑर्डर है, और लगभग 7500 ऐसे ऑर्डर्स हैं जो मतलब ऐसे जिसमें आप L1 है, उसमें जो जिसमें आप L1 है तो उसमें आर्मी स्टेटिक कम्युनिकेशन नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पिछले 2 साल से ऑलरेडी हम लोग L1 है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री उस पर काम कर रही है और वो जल्दी ही हम लोगों को ऑर्डर मिलने की उम्मीद है ऑलरेडी
कैबिनेट नोट उसका अंडर प्रिपरेशन है, अब जल्दी ऑर्डर मिल जाएगा। जो 7500 करोड़ का ऑर्डर हमारे पास है, तो जैसा मैंने लगभग बताया कि करीब अगले क्वार्टर में हमारे जो एमओयू के टारगेट्स में जो बैलेंस बचा हुआ है लगभग 2000 करोड़ का, वो हम डेफिनेटली पूरा कर लेंगे। ओके ठीक है, फिर वो अगले साल के लिए फिर लगभग 5,500 का जो भी हमने एमओयू के टारगेट्स उस करेंगे। किस तरह के मार्जिन्स आप इंजॉय करेंगे सर इन ऑर्डर्स में, और अगर आप थोड़ा अपना केपेक्स प्लान भी बता सके FY21 की जहाँ तक बात है, तो कितना क्षमता विस्तार पर आप खर्च करेंगे? इसमें मार्जिन्स तो जैसे अभी भी हमारे पास EBITDA मार्जिन लगभग जो टोटल मार्जिन्स ओवर 25% निकल के आ रहा है, और बेसिकली ओवरऑल मार्जिन जो हमारे प्रॉफिट्स में निकल के आएगा लगभग 12-13% निकल के आ रहा है, इस समय ओवरऑल मार्जिन निकल के आ रहा है, और मतलब पेट जो निकल के आएगा। और इसके अलावा जो केपेक्स प्लान है, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी ITI को 2264 करीब करोड़ का एक केपेक्स प्लान अप्रूव किया था, तो उसमें 769 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अप्रूव करके दे चुके हैं। इसके अलावा हम अपने इंटरनल रिसोर्सेज से भी केपेक्स पे काम करेंगे, तो उसमें एक तो लिथियम आयन बैटरी का हमारा प्लान है, इसके अलावा सोलर सेल्स का एक प्लान है, इसके अलावा SDP पाइप है, ऑप्टिकल फाइबर है, प्लस हमारे पास स्मार्ट बैंकिंग सिस्टम्स के कार्ड बनने शुरू हो गए हैं, तो इन सभी पे हम लोग काम कर रहे हैं। प्लस इसके अलावा जैसे हम लोगों ने कुछ MOU साइन किए हुए हैं 5G टेक्नोलॉजी पे, हम जो इंडियन एसोसिएशन ऑफ सेमीकंडक्टर एसोसिएशन है उनके साथ में MOU साइन है, डीप टेक पार्क का है, रोबोटिक्स पे है, 5G ब्लेस पे है, तो उस पर भी कुछ इन्वेस्ट करेंगे, R&D पे कुछ इन्वेस्ट करने का प्लान है। तो कुल मिला के करीब 400-500 करोड़ रुपए का हमारा केपेक्स का प्लान है इन्वेस्ट करने का नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। ओके ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी जानकारी नतीजों की बारीकियां हमें समझाने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। रुचित आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे और सभी शेयरों पे अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है स्टॉक सोशल में आज के लिए इतना ही, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कमोडिटीज के ऊपर खास फोकस होगा। आज बात करेंगे खास तौर पर ग्वार गम के ऊपर, तनाव नहीं होगा तो चलेगा ग्वार गम, इसके ऊपर खास फोकस करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए नमस्कार।